सीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर सेवा भाव को परम धर्म मान करके कार्य करता है। इस महामारी की विकट स्थिति में हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही हम जानते हैं कि इस समय सभी अभिभावक विभिन्न प्रकार की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। डीपीएस अजमेर पेरेंट्स को दे रहा है नए एडमिशन पर आकर्षक छूट, स्कॉलरशिप्स और मंथली फीस पर 20% की छूट। साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी अजमेर। अजमेर के कांजी हाउस गौशाला में सैकड़ों की संख्या में गाय रखी गई हैं, जिनको प्रशासन की ओर से पर्याप्त चारे की व्यवस्था की गई, लेकिन गायों को नियमित चारा समय पर नहीं मिल रहा। शहर के रहने वाले जागरूक नागरिक अंकुर सोनी का कहना है कि जब वह गौशाला पहुंचे तो गाय काफी भूखी नजर आई। इस पर उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में चारा आने वाला है। अंकुर का आरोप है कि गौशाला में गायों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और नियमित चारा भी नहीं खिलाया जा रहा, जिसके कारण गायों की स्थिति लगातार खराब हो रही है और गर्मी के इस मौसम में उन्हें नियमित खाद्य सप्लाई नहीं दी जाएगी तो स्थिति और खराब हो सकती है। नगर निगम द्वारा संचालित कांजी हाउस की बेहद ही दूर व्यवस्था हो रखी है। वहाँ पर कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। भीषण गर्मी के दौरान वहाँ पर चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्रतिदिन की भांति जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि गायों की खेली में चारा नहीं था। इस पर मैंने वहाँ निगम कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने कहा आधे घंटे बाद यहाँ पर चारे की ट्रॉली आएगी। तब आधे एक घंटे बीत जाने के बाद एक ट्रॉली आई, जो उसका भी पता नहीं थोड़ा बहुत चारा था, लेकिन गायों की संख्या को देखते हुए चारा बिल्कुल भी ऊँट के मुँह में जीरे के मुताबिक था। हमारी ये मांग है नगर निगम से कि इस भीषण गर्मी में ध्यान दे और गायों की तरफ और उनके चारे और पानी की व्यवस्था करवाए। इसको लेकर के आपने किसी कर्मचारी से बात करी थी? हमने वहाँ कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ चारा बहुत उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें जो कमी दिख रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर चारे की बहुत कमी है। आने वाले समय में जब नए कमिश्नर साहब आ जाएंगे तो हम सोच रहे हैं उन्हें एक ज्ञापन देंगे।